मारीना संदेश बाय। स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइन, मैं उफाद काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ यूट्यूब चैनल। बताते चले आपको कि देश में धर्म विशेष द्वारा किसी न किसी तरीके से मॉब लिंचिंग होती जा रही है, जिस पे सरकार मौन है। कोई कार्रवाई न होने के कारण लगातार इस तरीके की घटनाएं घटती जा रही हैं। आपको बताते चले कि फिरका परस्ती से ऊपर हटके देशभक्ति की भावना से अगर देखा जाए, मानवता की भावना से देखा जाए, तो इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों का काफी निंदनीय कार्य यह है, जिसकी निंदा देश से लगाए विदेश तक हो रही है। और काफी खुशी की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तबरेज की मॉब लिंचिंग पर शोक प्रकट किया है और उन्होंने भी इस घटना को काफी निंदनीय बताया है। साथ ही बिहार में बच्चों की हो रही मौत को भी सरकार की विफलता बताया है, इस पर भी उन्होंने शोक जताया है। ये काफी खुशी की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसी तरह की उम्मीद हम सभी को है और आगे भी इस तरह उम्मीद ये भी हमें कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मुसलमानों को, जो कि अपनी पसंद से इस मुल्क में है, जिस समय 1947 में बंटवारा हुआ था, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का रास्ता खुला था, हिंदू के लिए हिंदुस्तान का रास्ता खुला था, लेकिन सबके बाद भी मुसलमानों ने अपना देश प्रेम कायम रखते हुए, जिन्होंने इस देश के लिए काफ़ी कुर्बानियां दी थी, इस देश प्रेम को कायम रखने के लिए हिंदुस्तान को चुना और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की सेवा किया। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में भी मुसलमानों का काफ़ी बड़ा योगदान था, जिसको सरकार ने भी समझा और दिल्ली में बने इंडिया गेट पर लिखे नामों को भी पढ़ करके जाना जा सकता है कि कितने मुसलमानों का योगदान इस हमारे देश को आज़ाद कराने में है। जो आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की लड़ सकता है, वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, वो हमेशा देशभक्त होगा। और ऐसे देशभक्तों की मॉब लिंचिंग हो या किसी प्रकार से हत्याएं हो, किसी भी तरह से, ये काफ़ी निंदनीय है। आइए आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि एक मौलाना ने किस तरीके से मॉब लिंचिंग के ऊपर अपना जबरदस्त भाषण दिया है। वास्तव में मौलाना की बात सत्य है, लेकिन नियंत्रण में रहना चाहिए जिस तरीके से मौलाना ने बताया है। और वास्तव में मुसलमानों को कंट्रोल करके एक प्रेम का, इज्जत का और आपसी सौहार्द का ये मजहब है, मुसलमानों का मजहब और सभी मजहबों को लेके चलने वाला ये मजहब है। इसलिए धर्म विशेष के नाम पर किसी वर्ग समुदाय द्वारा किसी एक जाति धर्म को टारगेट बनाकर के हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि सिख लोगों के ऊपर भी किस तरीके से दिल्ली में अत्याचार किया जा रहा था। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई का नारा एक जमाने से चलता चला आ रहा है। हमारी गंगा यमुनी तहजीब को खत्म करने के लिए ये कुछ असामाजिक तत्वों की चाल है, जिस पे नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। आई वीडियो में हम मौलाना की स्पीच आपको सुनाते हैं। इस वीडियो की स्पीच आप जरूर सुनिए, पूरा सुनिए मौलाना ने क्या कहा है, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के अंदर इस तरीके की भावनाएं जो अपने अंदर पाल रहे हैं, ये भावनाएं उनके अंदर से खत्म होनी चाहिए। ये दरअसल ये आज तबरेज के सिलसिले में बात उठी है और ये आवाज़ तो मुस्लिम संगठन के हमारे बच्चों ने उठाई है, ये बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। और ये अब ये चिंगारी है, ये आग की तरह फैलेगी, बिजली की तरह फैलेगी और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। चूँकि मॉब लिंचिंग का केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में कई सौ उसमें हो गए और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है तो याद रखना, ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मोबलिंग और जो ये अत्याचार और ये जो रोज़ाना की जो है मौतें और लोगों को जो है तंग करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान इस मुल्क की तामीर चाहता है, मुसलमान इस मुल्क को तरक्की चाहता है, मुसलमान हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को कायम करना चाहता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाएं तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, अगर जिस तरीके से हमारे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया, तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना
हमारे बच्चे, हम याद रखना, हम उस आदमी की औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी की औलाद हैं जिन्होंने वहां गुंबद है जो कुब्बत उस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग है जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। वो बुजदिल लोग हैं कि एक के दुखे आदमी को पकड़ते हैं और खंभों से बांध देते हैं। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारता, जानवर पर भी लोग रहम खा लेते हैं। हैरो भाई बात कहने दो। नाराय तकबीर में दम नहीं रहा इतना, नाराय तकबीर में दम पैदा करना है। हम अपने बच्चों को हम मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मॉब लिंचिंग पर हुकूमत ये तो कंट्रोल करे, कानून का राज नाफिज करे। हुकूमत सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे सदर ने लिखा है, या तो इसको पूरे मुल्क में नाफिज करे। अगर हुकूमत इन पर नाफिज करने से कासिर रही तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशत गर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मैं ये कहता हूँ अमन के साथ कानून का राज नाफिज करें, सबका साथ सबका विकास रखें, वरना मुस्लिम मुल्क में बदमनी फैली जा रही है और मुसलमान बारूद, मुसलमानी पूरा मुल्क फिर बारूद के ढेर पर रखा हुआ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो ठीक है। खबरें पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारी खबरों का ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं।